आपके सारी एवलॉन अपोलो भाई स्टैंड पर रखने की जरूरत नहीं थी मिटाना तो वैसे ही चले जाते नहीं फिर भी मतलब उसमें से वायर जा रही थी ना अच्छा मैंने कहा सर वायर जाने से बेहतर ये चेकलिस्ट है एक बैग ले लो छोटा अवेलेबल है हैंडबैग में उसमें सब सामान रख लो ताकि व्हाट आर वी डूइंग टुडे वी आर पैकिंग अप व्हाई फॉर नेक्स्ट एलेंथम When is that officially? And why are we packing it now? Because we have to go to rehearsals and sound check, tech check, lot of stuff is going on. पिछले साल मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको आप वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कह सकते हो पिछले साल पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी थी और पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ तब्दीलियां खास आई नहीं रही थी तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना नेशनल एंथम कोई रीमेक नहीं रीमास्टर करते हैं और मुझे मौका मिला कि उस सारे प्रोसेस को कैप्चर किया जाए अब उस टीम में मेरे अलावा मेरे साथ थे जोशुआ आमना एंड वजाहत और ये हम अली मुस्तफ़ा की टीम थी ना हु इज़ अली मुस्तफ़ा He's basically a legend in the music industry. अब पिछले साल वो रिलीज क्यों नहीं हुआ वो अलग कहानी थी वो मना किया गया था हमें कि 6 महीने तक कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद अलग लांजे जो भी है अब जाके मैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि जो सारा बिहाइंड द सीन प्रोसेस होता है वो जो जज्बा होता है जब भी नेशनल एंथम लगता है वो जो हमारे अंदर जज्बा फील होता है उसको कोई रिमास्टर कर भी सकता है चलो और देखें दिखने में जैसे भी आप लोग को लग रहा होगा असल में था बहुत ही मुश्किल और नर्व रैकिंग ये सब कुछ पैक करना क्योंकि छोटी सी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक हर एक चीज को परफेक्टली अपनी जगह पे पैक होना था वरना अली भाई ने हमारी पैक कर लेनी थी तो मैं सबको दाद देता हूँ जो एफर्टलेसली सब कुछ पैक कर रहे थे और गाड़ी में रख रहे थे अब हर एक चीज इतनी सीरियस भी नहीं थी हमने बीच में रास्ते में अपना शगल भी लगाया वीडियो बन अभी बनी शुरू हुई है वीडियो नहीं बन वो अभी मैंने फ्रेंड स्टार्ट किया सॉरी उसमें बनी थी कि नहीं मजा सीधा ज्यादा मीठा खा लिए गुलाब जामुन अंदर गए वो गुलाब जामुन से जन्म बन चुके गुलाब जामुन ये क्या ये क्या बीच में और इस शुगल मस्ती में हम पाक चाइना सेंटर पहुंच ही गए और स्टार्ट किया अपना सेटअप प्रोसेस यार मुझे म्यूजिक से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है कि कौन से इक्विपमेंट या कौन से टूल्स यूज होते हैं बट एवरीथिंग लुक्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एज इट शुड हैव बीन
हमारी टीम तो बेसिकली सारा साउंड और म्यूजिक डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी ना इस प्रोजेक्ट का, लेकिन आपको पता है ये सारा प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा था? रोहेल हयात, दी रोहेल हयात, अ लेजेंड इन हिज ओन राइट। फिर बैंड ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली। पाकिस्तान का झंडा भी सामने है उसके तराना गा रहे हैं, बिल्कुल एक अलग ही सीन हो गया। तो करते कराते हम फाइनल डे पे आ ही गए, लेकिन पिछले दिनों इतनी ख्वारियां की थी ना कि उस दिन मेरी हालत कुछ थी ऐसे। आई थिंक आई एम गोना स्लीप फॉर मुझे पता ही नहीं था कि कौन है, कहां से आया, कौन सा गाना गाया हुआ है। अभी मुझे इतनी नॉलेज हो गई है क्योंकि इतना बहुत मैंने देख लिया और समझ लिया, लेकिन उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब वो सीट्स पे नेम टैग्स लगा रहे थे कि इधर इफ्लाम बंदा बैठेगा, तो उधर एक नाम मैंने देखा और बस मैंने कहा था कि मैं उसी का इंतजार करूंगा, और वो नाम था हसन रहीम। उस टाइम पे मैं हद के लेवल का फैन था हसन रहीम का, अभी भी हूं, लेकिन उस वक्त नया नया सुनने लगा था तो मैं पागल हुआ था उसके सॉन्ग्स को लेकर। तो उसके इंतजार में था कि उसे तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो आ नहीं सका। तो मैंने कहा चलो बाकियों की वीडियो बना, पोजीशन दोबारा कराता हूं। नहीं, ये जो ट्यूब माइक है ना, नहीं इनको फैंटम करो सीट पे। जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसका मेट्रोनोम, इसका मेट्रोनोम, इसका मेट्रोनोम, तीनों मेट्रोनोम को सिंक करेंगे तो वो सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। थोड़ी बहुत लोगों ने ख्वारियां की तो उसके बाद खाना लग गया, तो हम खाना खाने चले गए। खाने की मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं सका, खाना वहां पे ट्रे में खत्म भी हो गया, वरना वो मजेदार से एक सिनेमैटिक बना लेता। लेकिन खाने में था वेजिटेबल पुलाव, चिकन कढ़ाई, कलवंजी नान, सैलेड, खीर, और मैंने वीडियो सी नहीं बनाई क्योंकि मुझे सब भूख लगी हुई थी। और वहाँ अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप्स भी मेरी बनी अकदस के साथ, जोहा जुबैरी के साथ और महम वकार के साथ, जो कि अब तक आर वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड कूलेस्ट पीपल टू हैंग अराउंड विद और टू नो। यस, कैन यू कम फ्रॉम वेरी फार अवे? यस, वेरी फेवरेट। मैंने वीडियो में देखा था। अच्छा, ग्रीन वैली नजर आ रहा था। आई वाज लाइक, आई नो वेयर यू लिव, आई विल स्टॉप यू नाउ। केडीके फैन हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेलिब्रिटीज आने लग गए, और
क्योंकि मैं स्टेज पे था और वो सीटिंग एरिया पे बैठे हुए थे, तो जिस कैमरे से मैं वीडियो बनाया था वो इतना जूम नहीं करा था, तो मैंने कहा मेरा फोन कब काम आएगा। अब जो पिछले साल गवर्नमेंट ने वीडियो रिलीज की थी नेशनल एंथम की, वो थी तो बहुत तबाही, म्यूजिक भी वही यूज हुआ, लेकिन जो आर्टिस्ट की वीडियो उस वक्त बनाई थी वो उन्होंने यूज नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उसके पीछे रीजन था, बहरहाल मैंने वीडियो बना ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 90% आर्टिस्ट का पता नहीं, तो आप वीडियो देखें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सी सीट पे किस मिनट पे कौन सा आर्टिस्ट बैठा है, ताकि मेरी नॉलेज में भी कोई इजाफा हो। तो चलो आओ साथ देखें वन ऑफ द टेक ऑफ ऑल द आर्टिस्ट टुगेदर। ये जर्नी हुई खत्म, सब आपस में मिले जुले, सबने आपस में गपशप लगाई कुछ टाइम के लिए, और फिर सब अपने अपने डेस्टिनेशंस के लिए रवाना। तो ये थी मेरी जर्नी, ये था मेरा एडवेंचर। आई नो उसके बाद मुल्क के हालात कुछ ज्यादा ही रोलर कोस्टर्स की राइड पे रहा, और अभी भी ऐसे कोई हालात हैं कि मोस्टली किसी का दिल ही नहीं कर रहा कि इस बार कोई 14 अगस्त मनाए। लेकिन ना हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और अच्छे दिन जरूर आएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जो फील नहीं कर रहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम उस जोश जज्बे के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाएं जिस तरह हम पूरे जिंदगी मनाते आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ, देखते रहिए केडीके को। ओके बाय एंड आजादी मुबारक।